हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुप्तकाल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्तकाल प्रारंभ होता है। गुप्तकाल का जो टाइम पीरियड है वो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी माना जाता है। गुप्तकाल का जो प्रथम शासक था वो श्रीगुप्त था, यानी संस्थापक श्रीगुप्त था, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तकाल को सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है, और इसकी जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। अगर आप दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक है, दिल्ली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त हो जाएगा। दोस्तों, गुप्तकाल में दो चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम तथा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि ग्रहण की और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए श्रीगुप्त हो जाएगा, यानी कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे तथा इसके जो अंतिम शासक थे वो विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, गुप्त वंश में चांदी के सिक्के किस नाम से प्रचलित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रुपयक हो जाएगा। गुप्त वंश को सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, फायन भारत किस काल में आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। दोस्तों, फायन जो था वो एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई, और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए और चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में ही लौह स्तंभ का भी निर्माण किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत के नेपोलियन के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त को डब्ल्यू सी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। इसके अलावा समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और कविराज भी कहा जाता है, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त हो जाएगा। दोस्तों, समुद्रगुप्त को ही अश्वमेधकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिशयन था। हरिशयन ने ही प्रयाग स्तंभ की रचना की थी, और प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त के बारे में ही बताया गया है, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से कौन सी कृति गुप्तकाल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चरक संहिता हो जाएगा। चरक संहिता के लेखक चरक थे, जो कि कनिष्क के दरबारी राजवैद्य थे, और अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक हैं वो कालिदास हैं, अमरकोश के लेखक अमर सिम्हा हैं, तथा मृक्षकटिकम के शूद्रक हैं, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, कालिदास का संबंध किस काल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुप्तकाल हो जाएगा। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी, जिससे कि यूरोपीय भाषा में अनुवाद होने वाली प्रथम भारतीय रचना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, किस काल से भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुप्तकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन, किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, और चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने महाराज अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और कविराज की उपाधि धारण की थी, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मृच्छकटिकम किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शूद्रक हो जाएगा, यानी कि शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम लिखी गई है, और कल्हण द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है, और ऑप्शन डी है बाणभट्ट, जिसके द्वारा हर्षचरित्र और कादंबरी लिखी गई है, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गुप्तकाल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी संस्कृत हो जाएगा। दोस्तों, गुप्तकाल की जो आधिकारिक भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस राजा से बौद्ध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत का बड़ा प्रेमी था और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था, जिसने कि प्रयाग स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ की रचना की थी। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आर्यभट्ट और ब्राह्मीर किस काल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गुप्तकाल हो जाएगा। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखा था तथा इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दशमलव और शून्य सिद्धांत का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ? दशमलव और शून्य के सिद्धांत का जो आविष्कार है वो गुप्तकाल के दौरान हुआ था, तो यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दशमलव और शून्य के सिद्धांत का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कुमार संभव की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कालिदास हो जाएगा। कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम लिखी गई। इसके अलावा कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतुसंहार और मालविका अग्निमित्रम भी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। से आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शूद्रक मृक्षकटिका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नाटक हो जाएगा, यानी कि शूद्रक द्वारा लिखा गया मृक्षकटिका एक नाटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि किस इतिहासकार ने दी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी V.A. Smith हो जाएगा, यानी कि V.A. Smith ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता के नाम से भी जाना जाता है और समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हरिसेन हो जाएगा। समुद्रगुप्त का जो राजकवि था वो हरिसेन था, जिसने कि प्रयाग स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ की रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त हो जाएगा। और प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो हरिसेन ने लिखा था, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अजंता गुफाओं के अलावा गुप्तकाल की कौन सी गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बाघ गुफाएं हो जाएगा। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा नंबर 16 और 17 ही गुप्तकालीन हैं। गुफा नंबर 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुप्तकाल में निर्मित बाघ गुफा जो कि बाघ नामक स्थान पर है, और बाघ जो स्थान है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुप्तकाल हो जाएगा। दोस्तों, मंदिर बनाने की जो कला थी वो गुप्तकाल में ही प्रारंभ हुई थी तथा त्रिमूर्ति की अवधारणा भी गुप्तकाल से ही मानी जाती है। गुप्तकाल में विष्णु शर्मा, कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त और धन्वंतरी जैसे विद्वान हुए थे। इन्हीं के कारण गुप्तकाल को भारतीय साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। से आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फायान कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चाइना हो जाएगा। फायान जो था वो चाइना का निवासी था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कौन से गुप्तकाल के राजा को कविराज के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज, अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक और भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख हो जाएगा, यानी कि स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में ही सक्रोपम कहा गया है। और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था और स्कंदगुप्त को ही हूणों को भारत से खदेड़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, गुप्तकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी भगवान विष्णु हो जाएगा। विष्णु ही गुप्तकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अमर खोज के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त हो जाएगा,
यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह के अलावा कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मीर, आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा आदि विद्वान भी रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुष्यमित्र हो जाएगा, यानी पुष्यमित्र संघ ही मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। इसके अलावा कालिदास की अन्य रचनाओं में अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवगम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहार आदि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कुमारगुप्त हो जाएगा, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। और इसके जो ध्वस्त करने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनानायक बख्तियार खिलजी ने किया था, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चिकित्सा हो जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे गुप्तकाल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा गुप्तकाल में लिखी हुई कुछ पुस्तकें भी आपको याद रखनी है, जैसे कालिदास द्वारा लिखी हुई अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार और मालविका अग्निमित्रम। इसके अलावा विष्णु शर्मा द्वारा लिखी हुई पंचतंत्र, आर्यभट्ट द्वारा लिखी हुई आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ये सभी पुस्तकें गुप्तकाल की ही देन मानी जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।